पलवल में हरियाणा विधानसभा आम चुनावों की तैयारियों के दृष्टिगत विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 21 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं स्वीप गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सुरेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त सुरेंद्र सिंह ने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक युवा को अपना वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि मैन पावर मैनेजमेंट के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, ईवीएम व वीवीपैट मैनेजमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए सचिव आरटीए, एमसीसी के अनुपालना के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिला राजस्व अधिकारी, मटेरियल मैनेजमेंट के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट व ऑब्जर्वर के लिए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कानून एवं शांति व्यवस्था व जिला सुरक्षा योजना के लिए पुलिस अधीक्षक, पोस्टल बैलेट पेपर के लिए जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार कंप्यूटराइजेशन कार्यों में एसएमएस एवं कम्युनिकेशन व आईसीटी एप्लीकेशन, वाटर हेल्पलाइन 1950 के लिए जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को नोडल अधिकारी, हेल्पलाइन में शिकायत निवारण के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मीडिया कम्युनिकेशन के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, साइबर सिक्योरिटी, बैलेट पेपर प्रिंटिंग व टेंडर बैलेट पेपर के लिए जिला राजस्व अधिकारी, पोलिंग स्टाफ वेलफेयर के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए जिला योजना अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त जरिंदर सिंह ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वोट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है वे अपनी वोट बनवाएं। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने मत का सही प्रयोग करें, किसी के बहकावे में न आए, लोकतंत्र के निर्माण में अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि ईवीएम व वीवीपैट मशीन के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन के बारे में डी साहब ने निर्देश दिए हैं कि भाई इसमें एक तो स्वीप एक्टिविटीज़ को निरंतर अधिकारियों को बढ़ाने के लिए बोला गया है। स्वीप एक्टिविटीज़ में हम जैसे विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं तो इसमें सभी से गुजारिश दो तरह की जाती है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एक एथिकल मतदान करें, किसी भी प्रलोभन में आके मतदान ना किया जाए। जहाँ तक ज़्यादा मत बनाने की बात है उसमें दो चार स्पेसिफिक डेट्स हैं, अगला सैटरडे संडे और उससे नेक्स्ट सैटरडे संडे बीएलओ अपने बूथ पे रहेगा और आप सभी से गुजारिश है कि जिनके वोट नहीं बने हैं वो कृपया वोट बनाएं, खासकर बहनें महिलाएं सभी वोट बनवाएं। ट्रेनिंग ईवीएम मशीन्स की गांव-गांव में जाके ईवीएम मशीन्स के बारे में हमारे अधिकारी और कर्मचारी बताएंगे उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, तो हर विलेज में जाके बताया जाएगा। सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।